एम डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, जेटी आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, मालेगांव। दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर TYBA पॉलिटिक्स G3 यूनिट 5 गांधीज्म एंड द सब टाइटल इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल अबाउट महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, देर आर थ्री थेरीज, थ्री concepts which we are going to study in Gandhiism, truth and non-violence. This is the first unit, theory of satyagraha. This is second one, and gram swaraj, this is third one, and the combination of these three are called as Gandhiism. Now we are going to start the introductory para about Gandhiism. Gandhiism is a body of ideas and principles. Dear students, Gandhiism जो है ये एक मजमुआ है. It is a body of ideas. Different ideas are there, different principles are there in Gandhiism. That describes, और ये जो है describe करते हैं, बयान करते हैं, ये ideas और ये principles, the inspiration, vision and life work of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi के जो है तो विजन, उनके लाइफ वर्क और उनका इंस्पिरेशन, वो लोगों को जो इंस्पायर करते थे कुछ करने के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, वो सारी चीज़ों का मजमुआ गांधीज़म है. इट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विथ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. ये खास तौर से गांधीज़म जो है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ, ये जुड़ा हुआ है हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो काराहे नुमाया था, काहे के लिए काराहे नुमाया, टू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. नॉन वायलेंट यानी, देखिए, वायलेंट मीन्स तशद्दुद से भरपूर, नॉन वायलेंट यानी तशद्दुद ना होना, मतलब अदम तशद्दुद. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी मदाफियत, यानी हम लोग को गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लड़ना है, मदाफियत करनी है, तो खून खराबे से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत भाईचारगी से अदम तशद्दुद का मुजाहरा करते हुए हमको अपनी बात रखनी है. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ गांधीज़म. समटाइम्स आल्सो कॉल्ड सिविल रेजिस्टेंस. कभी कभी हम इसको जो है और कैसे याद रखते हैं नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को, सिविल रेजिस्टेंस. सिविल मीन्स शहरी सतह पर, शहरी सतह पर रहते हुए हर शहरी ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था. द टू पिलर्स ऑफ गांधीज़म वेयर. अब गांधीज़म के दो पिलर्स हैं, दो सुतून हैं जिस पर पूरा गांधीज़म टिका हुआ है, वो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. पहला है ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, और नॉन वायलेंस मीन्स अदम तशद्दुद, तशद्दुद का मुजाहरा ना करना बल्कि अमन अमान की बातें करना. द टर्म गांधीज़म ऑल्सो इनकम्पासिस. हम देखेंगे ये टर्म यानी इस्तेला, गांधीज़म ये इस्तेला जो है ये हमको क्या जो है बताती है, और गांधीज आइडियाज, वर्ड्स एंड एक्शंस मीन टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. गांधीज़म की आइडियाज के बारे में, उनके वर्ड्स और एक्शंस के बारे में लोग क्या समझते हैं पूरी दुनिया में, ये जो है गांधीज़म जो है बताता है कि लोग किस तरह से गांधीज़म को लेते हैं, गांधी के आइडियाज, वर्ड्स और एक्शंस को लेते हैं, एंड हाउ दे यूज्ड देम फॉर गाइडेंस इन बिल्डिंग देयर ओन फ्यूचर. और लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, गांधी के आइडियाज को, वर्ड्स को, एक्शंस को, इन देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए एज ए गाइडेंस कैसे वो इस टर्म को यूज करते हैं, यानी गांधीयन फिलोसफी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, इन द बिल्डिंग ऑफ देयर फ्यूचर वो कैसे यूज कर रहे हैं. गांधीज़म आल्सो परमिट्स इनटू द रियाम ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन सोशल. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि गांधीज़म जो है वो लोगों को जो है आगाह कर रहे हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को, कि आपको कैसे रहना है नॉन पॉलिटिकल. नॉन पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिक्स में भी अगर आपको तो सियासी हथकंडे आपको नहीं अपनाना है, बल्कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पॉलिटिक्स में भी रहना है. एंड नॉन सोशल,
नॉन सोशल यानी गैर सामाजिक। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि समाज में रह के हमको सिर्फ अपना भला नहीं सोचना है बल्कि पूरे समाज के लिए हमको काम करना है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ गांधीज्म। ए गांधियन कैन मीन आइदर एन इंडिविजुअल। गांधियन कौन है? गांधियन वो बंदा है, वो इंडिविजुअल है हु फॉलोज, जो के फॉलो करता है ए स्पेसिफिक फिलोसफी विच इज एट्रीब्यूटेड टू गांधीज्म। एक स्पेसिफिक फलसफे को, फिलोसफी को, एक खास फलसफे को जिसको के एट्रीब्यूट किया है हमने एज गांधीज्म। तो गांधीज्म के उसूलों पे चलने वाला गांधियन कहलाता है। यानी हम अगर देखें तो गांधीवाद जो है, गांधियन जो है, कोई बंदा अगर है तो वो बंदा है, वो पर्सन है जो के गांधीज्म के बताए हुए उसूलों पे चलता है, महात्मा गांधी के वर्ड्स, आइडियाज, एक्शंस को लेके लाइफ में आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी वाज एन इंटेंसली एक्टिव पर्सनालिटी। अगर हम देखें महात्मा गांधी की पर्सनालिटी को तो इंटेंसली एक्टिव पर्सनालिटी है। यानी वो जो बोलते थे वो करते भी थे। ना सिर्फ उन्होंने वर्ड्स में अपनी बातें रखी बल्कि एक्शन में, प्रैक्टिकली, एक्टिवली उन्होंने करके भी दिखाया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट कंसर्न्स द इंडिविजुअल और सोसाइटी। महात्मा गांधी जो है वो इंटरेस्टेड थे, दिलचस्पी लेते थे वो हर उस चीज़ में जो के कंसर्न हो, जुड़ी हुई हो एक इंडिविजुअल से और फिर या तो पूरे समाज से। यानी पूरे लोगों की फलाह और बहबूद की बातें करते थे। फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द गुड ऑफ ऑल, महात्मा गांधी ने हर वक्त ये काम किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे ही इज बेस्ट नोन एज द मैचलेस पॉलिटिकल लीडर। महात्मा गांधी को हम बेहतरीन तरह से जान सकते हैं कि ही इज ए मैचलेस पॉलिटिकल लीडर। मैचलेस यानी जिनका कोई सानी ना हो, जो उनसे मैच ना करता हो। यानी इतने महान थे ये, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हिम एज महात्मा, बिकॉज महाआत्मा मींस इनका कोई सानी नहीं, इनके जैसा कोई भी नहीं। ही वॉज ए मैचलेस पॉलिटिकल लीडर हु इवॉल्व्ड द न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। जिन्होंने इवॉल्व किया, इवॉल्व करना यानी इर्तिका करना, शुरुआत करना, एक नई टेक्निक की इन्होंने शुरुआत की और जिसको हम सत्याग्रह के तौर पे जानते हैं। ही फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। गांधी ने, महात्मा गांधी ने छूत छात के खिलाफ, अनटचेबिलिटी यानी छूत छात, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपवर्ड नहीं, कोई डाउनवर्ड नहीं, ऐसा कंसेप्ट इन्होंने लेके आया जो इंडियन सोसाइटी में वर्ना सिस्टम चल रहा था। एंड द होल हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। वन इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य और फोर्थ इज शुद्राज, अनटचेबल्स। तो कोई अनटचेबल नहीं है, ऐसा गांधी का कहना था और जिसके लिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। एंड द नोशंस ऑफ सुपेरियरिटी, और जो सुपेरियरिटी का कंसेप्ट था, नोशन था, उसको भी खत्म करने के लिए इन्होंने अपनी फाइट जारी रखी। एंड इन्फेरियरिटी बाय बर्थ आर ऑल्सो फेयरली वेल नोन। ये बहुत ही सही जो है, हम बेहतरीन तरह से, इट इज़ वेल नोन मीन्स इट इज़ फेमस, कि उन्होंने ना सिर्फ सुपेरियरिटी के कंसेप्ट के खिलाफ लड़ाई की बल्कि लोगों के अंदर जो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बाय बर्थ, कि हम निचली जात में पैदा हुए और हम तो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा कुछ हो नहीं सकता है, तो इन सब चीज़ों को फाइट किया गांधी ने और पूरे हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मैसेज दिया। फॉर इंडिया हिज ग्रेटेस्ट सर्विस वाज, सबसे ज़्यादा इनकी ग्रेटेस्ट जो सर्विस है, खिदमात हैं अजीम, वो परहैप्स शायद जो है द इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वुमन। इमेंसिपेशन यानी निजात दिलाना, हिंदुस्तानी समाज में हिंदुस्तानी औरतों की जो बदतर हालात थे उनको निजात दिलाना, उन समाज के झूठे शिकंजे से जिसमें जकड़ी हुई थी हिंदुस्तान की औरत, उससे बाहर निकालना। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विसेज विच वॉज सर्व्ड बाय महात्मा गांधी फॉर इंडिया, फॉर इंडियन वुमन। दस इट इज क्लियर डैट
The life, work, and ideas of Mahatma Gandhi remained to a large extent in uniformity. हम देखेंगे कि ये फिर क्लियर हो जाता है कि वर्क और आइडियाज महात्मा गांधी के जो हैं वो रिमेन बाकी हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट, वसी पैमाने पे हम देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखती है विथ हिज ओन स्टेटमेंट, उनका खुद का ही जो स्टेटमेंट है कोटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन, जिसको हमने कोट किया इस डिस्कशन के शुरुआत में ही, हिज एक्शंस एक्सपेरिमेंट रिमेन कंटिन्यू इन सर्च ऑफ ट्रूथ. ये जो है हम देखेंगे उनके एक्शंस उनके एक्सपेरिमेंट्स वो कंटिन्यू रहे और हम देखेंगे जिसकी वजह से इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की तलाश में ही थे गांधी वाज ऑल द टाइम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और ट्रूथ जो है ढूंढते ढूंढते उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे उन्होंने काम किए. यहाँ पे देखेंगे महात्मा मेड एफर्ट्स कंटिन्यूसली फॉर द वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल. महात्मा गांधी ने अपनी कोशिशें जारी रखी मुसलसल, काहे के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन बल्कि इंटायर सोसाइटी, होल सोसाइटी, उसके वेलफेयर के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया. इंडीड दरकीकत अहिंसा वॉज द ओनली मीन्स इन सर्च फॉर ट्रूथ. अहिंसा जो था, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट जो था, वो एक जरिया था, मीन्स जरिया इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जिसके जरिए हम सच्चाई की तलाश कर सकते हैं एंड टू अचीव और पा सकते हैं वट एवर गांधी कुड, जो कि गांधी ने पाया था, जो कुछ उन्होंने पाया था, वट एवर ही अचीव्ड वी कैन अचीव इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी. बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे इंटरेस्ट, मफाद जो है इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है पूरी ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का. तो गांधी ने जो कुछ पाया है, गांधी के उसूलों पे चलते हुए अगर हम भी अहिंसा को फॉलो करते हैं तो सच्चाई जो इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हमारी जो ये स्ट्रगल जारी है, हम पा सकते हैं सच को जैसा कि गांधी ने पाया था, और हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हम लोग काम कर सकते हैं. ट्रूथ रिमेन इंटैक्ट इन ऑल ऑफ हिज एक्शंस. ट्रूथ जो है वो इंटैक्ट हम कर सकते हैं ऑल ऑफ हिज एक्शंस, जैसा कि उन्होंने अपने तमाम एक्शंस में सच्चाई को सबसे ऊपर रखा था, सबसे बरतर रखा था. कैरीड आउट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने चला के लेके गए, कैरी आउट करना, काहे के लिए, जो उन्होंने सही जो है तो ये रास्ता चुना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस कायम करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट मीन्स कायम करना. जस्टिस पाना चाहते थे, इंसाफ पाना चाहते थे, इक्वालिटी मसावात चाहते थे, एंड फ्रीडम आज़ादी चाहते थे, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अहिंसा इन साउथ अफ्रीका और इन इंडिया. जो स्ट्रगल उन्होंने जारी रखी थी साउथ अफ्रीका में रहते हुए या हिंदुस्तान वापस आने के बाद, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत अहिंसा की, उसके जरिए, नॉन वायलेंस के जरिए वो समाज में जस्टिस लाना चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे और फ्रीडम लाना चाहते थे. एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल टू अचीव द टारगेट वी ही सेट. द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज, अभी हम देखेंगे यहाँ पर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है, दैट वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब यहाँ पे हम लोग नया जो है तो यूनिट शुरू कर रहे हैं. दिस इज एंटाइटल्ड एज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस को हम लोग और क्या कह सकते हैं, अहिंसा. तो यहाँ पे हम देखेंगे हिंसा का अपोजिट वर्ड है अहिंसा, या अहिंसा भी हम कह सकते हैं. तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ. द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज एट द कोर महात्मा गांधीज पॉलिटिकल थॉट. गांधी की जो सियासी जो थॉट है, जो नज़रिया है, उसका कोर पॉइंट, फोकल पॉइंट जो है, वो मेन सेंट्रल पॉइंट वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस. बट ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड, लेकिन हम देखेंगे वो खुद से ही वो कन्फेस करते हैं, इस बात का एतराफ़ करते हैं कि नॉन वायलेंस और अहिंसा वॉज नॉट हिज इनबॉर्न वर्च्यू. इनबॉर्न वर्च्यू यानी पैदाइशी सलाहियत, पैदाइशी जो है गॉड गिफ्टेड क्वालिटी अहिंसा और नॉन वायलेंस नहीं है. यानी
हम देखेंगे कि पहले से गांधी के अंदर अहिंसा और नॉन वायलेंस नहीं था। फिर क्या हुआ, ही सिंपली स्टेट्स, वो सिंपली बयान करते हैं कि इन द जर्नी सर्चिंग फॉर ट्रूथ आई फाइंड अहिंसा। गांधी खुद ही एतराफ करते हैं इस बात का और बयान करते हैं कि वो जब सर्च कर रहे थे ट्रूथ को, उसकी जर्नी उनकी जारी थी, उसी वक्त ट्रूथ ढूंढते ढूंढते उनको अहिंसा मिल गया और आई हैव ओनली रिट्राइव्ड इट, नेवर डिस्कवर्ड ए न्यू। और मैंने जो है, गांधी कहते हैं कि मैंने इसको रिट्राइव्ड किया से, यानी उसको एक नया शेप दिया, नेवर डिस्कवर, इसको दरियाफ्त नहीं किया कि एक नई चीज़ मैं लेके आ गया हूँ, डिस्कवर किया हूँ, बल्कि सच्चाई के साथ साथ नॉन वायलेंस भी होता है। जो इंसान सच पे रहेगा वो नॉन वायलेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गांधी जो है उसने कुछ नई चीज़ जो है तो नहीं की, बल्कि गांधी कहते हैं कि ये तो मैं सर्च कर रहा था ट्रूथ को और वो ढूंढते ढूंढते अहिंसा इज द ज्वेल विच आई फाउंड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। गांधी खुद ही कहते हैं कि जब मैं सच की तलाश में जा रहा था तो मुझे एक बेहतरीन जो है ज्वेल मिल गया, एक खजाना मिल गया, और दैट इज कॉल्ड एज अहिंसा। ट्रूथ एंड अहिंसा आर क्लोजली इंटीग्रेटेड विथ हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब गांधी की जो फिलोसफी ऑफ लाइफ थी उसमें ये दोनों चीज़ें क्लोजली इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए, क्लोजली यानी करीबी तौर पे। यानी हम देखेंगे कि गांधी ने अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है कि हर इंसान अपनी लाइफ में ये दो चीज़ें ले आए तो उसकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। और फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी कहती है कि ट्रूथ एंड अहिंसा अगर हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो वी विल बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ, इन द पाथ ऑफ सक्सेस वी विल बी टोटली सक्सेसफुल। यूज्ड टू बिलीव दैट अहिंसा लाइज विद इन द ट्रूथ एंड सिमिलैरिटी, सिमिलरली ट्रूथ इज इन अहिंसा। हम देखेंगे कि गांधी हर वक्त बिलीफ रखते थे कि अहिंसा कहाँ पर है, तो अहिंसा लाइज विद इन द ट्रूथ, सच्चाई के अंदर अगर आप तलाश करो तो अहिंसा है। सिमिलरली उसी तरह से ट्रूथ इज इन अहिंसा, और अगर सच्चाई कहाँ पर है तो वह अहिंसा में है। यानी जो है हम देखेंगे कि अगर हमको अहिंसा तलाश करना है कि नॉन वायलेंस कहाँ है, तो हमको जो है सच देखना पड़ेगा, ट्रूथ देखना पड़ेगा। ट्रूथ में ही अहिंसा मौजूद है, और ट्रूथ को अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो अहिंसा देख लें तो ट्रूथ जो है उसमें मौजूद है। यानी बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, दोनों एक ही चीज़ें हैं। वंस ही थॉट दैट गॉड इज ट्रूथ, बट लेटर ही ऑब्जर्व दैट ट्रूथ इज गॉड। सेम चीज़ यहाँ पर भी कह रहे हैं कि गॉड इज ट्रूथ, गॉड को अगर जो है देखना है तो गॉड क्या है, वो ट्रूथ है, और ट्रूथ क्या है, वो गॉड है। मीन्स सच्चाई जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। और गांधी कहते हैं कि जहाँ ट्रूथ है वहाँ अहिंसा है, और जहाँ ट्रूथ है वहाँ पे गॉड है, और जहाँ जहाँ गॉड है वहाँ वहाँ ट्रूथ है। ही नेम्ड हिज स्ट्रगल सत्याग्रह, गांधी ने अपने इस स्ट्रगल को एक नाम दे दिया था जो वो सच के लिए, ट्रूथ के लिए, अहिंसा के लिए कर रहे थे, उसको सत्याग्रह का उन्होंने नाम दिया। द सत्याग्रही विल बी वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस विच विल बी हिज लाइफ एंड ड्यूटी। जो सत्याग्रह पे चलने वाला है, सच के रास्ते पे चलने वाला है, ही इज कॉल्ड एज सत्याग्रही। तो सत्याग्रही जो है वो वर्शिपर है, पुजारी है, परस्तिश करने वाला है नॉन वायलेंस की, और ये नॉन वायलेंस जो है वो उसकी लाइफ भी है और उसकी ड्यूटी भी है कि वो नॉन वायलेंस को जो है वो फॉलो करे, नॉन वायलेंट रहते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। अभी हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है ट्रूथ और नॉन वायलेंस की। तो एक्चुअल मीनिंग हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी अहिंसा इम्प्लाइज अटर मोस्ट सेल्फलेसनेस। गांधी कहते हैं कि अहिंसा क्या है, तो ये जो है सेल्फलेसनेस है, यानी बेगर्जी, इंसान खुद गरज नहीं है, बल्कि अटर मोस्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉप पे जो चीज़ है वो सेल्फलेसनेस है, यानी खुद के लिए नहीं जीना है, समाज के लिए हमें जीना है। इट मीन्स
इसका मतलब ये हो गया, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू रियलाइज हिमसेल्फ, अगर कोई पर्सन अपने आप को जानना चाहता है, रियलाइज करना मतलब जानना पहचानना, दैट इज इफ ही वॉन्ट्स टू सर्च फॉर ट्रूथ, अगर वो पर्सन सच्चाई की तलाश करना चाहता है, ही हैज टू बिहेव इन सच ए वे, उसको बर्ताव करना पड़ेगा इस तरह से, दैट अदर्स विल थिंक हिम एंटायरली सेफ, कि दूसरे लोग उसके बारे में मुकम्मल तौर पे कैसा सोचे कि लोग सेफ हैं। यानी आपको सच तलाश करना है तो आपको बिहेव करना पड़ेगा नॉन वायलेंट तरीके से, ताकि लोग अपने आप को आपके पास आने से सेफ महसूस कर सके। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के मुताबिक दिस इज द वे ऑफ अहिंसा, ये जो है एक तरीका है अहिंसा का। ही डिड नॉट कंसीडर, वो जो है कंसीडर नहीं करते हैं, कायल नहीं होते हैं नॉन किलिंग अलोन टू बी नॉन वायलेंस। यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि नॉन किलिंग मीन्स किल नहीं करना, अलोन तन्हा, टू बी नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस साबित करने के लिए खुद को जो है आप जो है ऐसा मत करो, वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं गांधी कि नॉन किलिंग किया जाए टू हिम, बल्कि वो क्या चाह रहे हैं कि नॉन वायलेंस इज नॉट ए निगेटिव कंसेप्ट, नॉन वायलेंस जो है वो निगेटिव कंसेप्ट नहीं है, बट ए पॉजिटिव सेंस ऑफ लव, बल्कि ये एक मजबूत एहसास है लव का, मोहब्बत का। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि गांधी वो कंसीडर नहीं है तो कर रहे हैं कि खुद को मार डालो और अपने आप की पर्सनैलिटी ख़त्म कर डालो और बता दो कि मैं नॉन वायलेंट हूँ, वैसा नहीं। नॉन वायलेंस इज नॉट ए निगेटिव कंसेप्ट, वो कहते हैं ये निगेटिव बात नहीं है, बल्कि इट इज़ ए पॉजिटिव सेंस ऑफ लव। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर आप पूरे समाज से प्यार करते हो, तो दिस इज द बेसिक मैसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय नॉन वायलेंस। ही टॉक्ड ऑफ लविंग द रॉन्ग डूअर्स बट नॉट द रॉन्ग, गांधी जो है वो बात करते हैं कि आपको लविंग द रॉन्ग डूअर, जो गलत लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, आपको उससे लव करना चाहिए, बट नॉट द रॉन्ग, रॉन्ग डूअर जो है वो उसको प्यार करना है, लेकिन वो रॉन्ग डूअर है तो उसकी बुराई जो है वो गलत है। इंसान बुरा है ऐसा नहीं है, इंसान गलत कर रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, तो उस इंसान से हमें नफरत नहीं करनी है, बल्कि उसके अंदर की जो बुराई है उसको निकालना है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन रॉन्ग डूअर की उसके अंदर की वो बुराई है जो उसको अपोज करने पे मजबूर करती है। ही हैड स्ट्रांगली अपोज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मजबूत तरीके से स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं एनी सॉर्ट ऑफ सबमिशन, किसी भी किस्म का सबमिशन टू रॉन्ग्स, बुराई के आगे हमको झुकना नहीं है, एन इनजस्टिस, और ना ही जो है ना इंसाफी के आगे हमको झुकना है, इन एन इनडिफरेंट मैनर, एक अलग तरीके से, देखिए डिफरेंट और इनडिफरेंट, एक अलग तरीके से वो जो है इनजस्टिस के खिलाफ और रॉन्ग लोगों के खिलाफ, बुराई के खिलाफ झुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप नॉन वायलेंट रहे तो ऑटोमेटिकली बुराई आपके आगे झुक जाएगी, लोग आपको जस्टिस देने लग जाएंगे, पहले हम नॉन वायलेंस को साबित तो करें, हम अपनी पर्सनालिटी उस तरह से जो है लोगों के सामने रख सकें। ही थॉट दैट, उनका जो है सोचना था कि रॉन्ग डूअर्स कैन बी रेजिस्टेड, गलत करने वाले लोग उसी वक्त तक मदाफियत कर सकते हैं, ओनली थ्रू द सर्वरेंस ऑफ ऑल रिलेशंस विद देम, जितने भी उनके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो लोगों के बलबूते पे, सर्वरेंस ऑफ ऑल रिलेशंस, लोगों के बलबूते पे रॉन्ग डूअर जो है रेजिस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही ये सारे रिलेशंस ख़त्म होते हैं तो रॉन्ग डूअर्स रेजिस्ट करने के लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि तुम सच के रास्ते पे चलते रहो, दुनिया झुकती है तब जब आप अच्छाई से पेश आओगे, यानी दुश्मन आपके साथ गलत कर रहा है तो हमें करने देना है, अब आप सच का साथ मत छोड़िए, आप सच्चाई का साथ मत छोड़िए, आप नॉन वायलेंस का तरीका मत छोड़िए, और फिर देखिए
कि एक दिन ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग डूअर, वो आपका दुश्मन, आपको ऑटोमेटिकली झुक के सलाम ज़रूर करेगा। अकॉर्डिंग टू गांधी, नॉन वायलेंस नेवर इन्वेड्स वायलेंस। गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस जो है वो कभी भी इन्वेड्स नहीं कर सकता है वायलेंस का, यानी वायलेंस और नॉन वायलेंस का कोई मुकाबला नहीं है। वायलेंस अलग चीज़, नॉन वायलेंस अलग चीज़। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स, इट कैरीज ऑन ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट एरोगेंस एंड वायलेंस। यहाँ पर हम देखेंगे गांधी जो है वो क्या कर रहे हैं, कैरीज ऑन ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, कॉन्स्टेंट यानी मुसलसल जद्दोजहद करना, नॉन वायलेंस यानी क्या करना, मुसलसल जद्दोजहद करना एरोगेंस के खिलाफ। एक मुश्तैल आदमी जो है, जो इश्तियाल में आ जाता है और तशद्दुद की बातें करता है, वायलेंस की बातें करता है, तो उनके खिलाफ जद्दोजहद करने का नाम ही नॉन वायलेंस है। दिस इज वाई ही डिड नॉट रिगार्ड द पैसिफिस्ट एज नॉन वायलेंट। इसलिए हम देखेंगे कि गांधी कभी भी रिगार्ड नहीं देते हैं पैसिफिस्ट को। एक ऐसा बंदा, पैसिफिस्ट यानी मौके की मुनासिबत से फैसले लेने वाला आदमी, के जैसे किसी ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, अब वो जो है बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो उस वक्त उससे निपटने की सलाहियत नहीं है उसके अंदर, उसको लग रहा है कि मैं इससे निपट नहीं पाऊंगा, तो मसलहतन वो खामोश रह गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन वायलेंस कर रहा है, बल्कि वो उस वक्त तो दिल में सोच रहा है वो बंदा कि आज मेरा टाइम नहीं है, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे ये नॉन वायलेंस नहीं है, आप सामने वाले को ताकत होने के बावजूद, ताकतवर होने के बावजूद आप तशद्दुद नहीं कर रहे हो, आप खामोशी से उसके जो है तो वायलेंस को झेल गए। तो दिस इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी पैसिफिस्ट लोगों को नॉन वायलेंट नहीं कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो है वो तो मसलियत के तहत खामोश है और सोच रहे हैं कि अपना भी टाइम आएगा जब हम देख लेंगे, वैसे लोगों को गांधी नॉन वायलेंट नहीं मानते हैं। ही कंसिडर्ड नॉन वायलेंस टू बी ए वेरी पावरफुल एक्टिव फोर्स। गांधी ने कंसिडर किया नॉन वायलेंस को कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक्टिव फोर्स है, यानी अच्छे अच्छे जो है महारथी लोगों को हम लोग नॉन वायलेंस के जरिए झुका सकते हैं। चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स को गांधी ने झुकाया या फिर आज की मौजूदा गवर्नमेंट को, हम इजीली नॉन वायलेंस ट्रूथ के रास्ते पे चलते हुए, सत्याग्रह करते हुए हम लोग दुनिया को झुका सकते हैं। ऐसा गांधी का कहना था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप दुनिया में कितना भी ताकतवर बंदा हो, नॉन वायलेंस इज़ ए पावरफुल एक्टिव फोर्स, कि आप उसको झुका सकते हो अपने अमल से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। द फॉलोअर्स ऑफ नॉन वायलेंस वुड नेवर रिट्रीट एट द साइट ऑफ वायलेंस। अब नॉन वायलेंस जो फॉलो कर रहे हैं वो कभी भी, वुड नेवर रिट्रीट, कभी भी बदले में वो जो है एट द साइट ऑफ वायलेंस, जहाँ तशद्दुद हो रहा है, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो नॉन वायलेंस वाला कभी भी उसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि वो जो है साइड में हो जाएगा और वो बोल देगा आई एम पावरफुल बट आई डोंट वांट टू फाइट विद यू बिकॉज आई एम द फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस। मैं गांधी के उसूलों पर चलने वाला हूँ, मैं जो है लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहूँगा। दे वुड रादर डिवोट देमसेल्व्स टू द टास्क ऑफ चेंजिंग द हार्ट्स ऑफ प्रीपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस। प्रीपिट्रेटर्स मीन्स शुरुआत करने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले तशद्दुद की, वायलेंस की, उनके दिलों को जीतना है, उनके दिलों को चेंज करना है। दिस इज द मेन टास्क ऑफ नॉन वायलेंस पर्सन। जो बंदे नॉन वायलेंट हैं उनको डिवोट करना है अपने आप को कि ऐसे लोगों को वायलेंस से रोकें, थ्रू सेल्फ टॉर्चर फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्रूथ। चाहे अपने आप को सेल्फ टॉर्चर क्यों ना करना पड़े, सच्चाई को अगर कायम करना है, सामने वाले का दिल चेंज करना है, हार्ट चेंज करना है, ऐसे वक्त में हम शायद अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े, सेल्फ टॉर्चर भी होना पड़े, तो हम लोग को सामने वाले का दिल को जीतना है, ना कि जो है हम लोग वहाँ पे ताकतवर हैं
तो लड़ाई झगड़े से सामने वाले से अपनी बात मनवाना है, ऐसा जो है गांधी मना कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे मीनिंग थी, अब नेचर देखेंगे कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस का नेचर क्या है। नेचर मीन्स नवैयत। अकॉर्डिंग टू गांधी, टू मूव फियरलेसली इन टू द ड्रेडफुल जॉज ऑफ वायलेंस इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। वेरी सिंपल नेचर इज देयर। गांधी क्या कह रहे हैं, टू मूव फेयरलेसली, हमको आगे बढ़ना है लाइफ में बेखौफ होकर। कैसे बेखौफ होना है, ड्रेडफुल जॉज ऑफ वायलेंस, जो जबड़ा है वायलेंस का उसमें हमको जो है फंस जाना है और अपने आप को वायलेंस में मुलविस ना करते हुए नॉन वायलेंट रहना है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन वायलेंस। यानी अहिंसा जो है क्या चीज़ है, सामने वाला बंदा आपको मार रहा है, आपके ऊपर जो है तशद्दुद कर रहा है, जैसे वही हम लोग देखे हैं कि गांधी कहते हैं किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी पेश कर दो, हालांकि आप बहुत ताकतवर हो, आप जो है उसको एक गाल पे क्या मारेंगे, आप पूरा उसको पूरा का पूरा कछुमर निकाल देंगे, उसके बावजूद भी आपने अगर उस बंदे के एक थप्पड़ को खा लिया तो दिस इज द ड्रेडफुल जॉ ऑफ वायलेंस, आप उसमें जो है चले गए, लेकिन आपने जो अपने आप को क्या रखा, नॉन वायलेंट रखा। दस इन गांधीज कंसेप्ट, फिर हम देखेंगे गांधी का जो कंसेप्ट है नॉन वायलेंस, देयर वाज नो प्लेस फॉर टिमिडिटी और कावर्डिस। गांधी का जो कंसेप्ट है नॉन वायलेंस का, उसमें कोई भी जगह नहीं है टिमिडिटी की और कावर्डिस। टिमिडिटी और कावर्डिस मीन्स बुजदिलपन की। वो इंसान बुजदिल है कि जो सामने वाला उसको मार रहा है और वो ये सोच रहा है कि भाई ठीक है, सामने वाला ताकतवर है, मुझे मार लिया, आज मैं कमज़ोर हूँ, आज मेरा टाइम नहीं है, मैं मार खा लेता हूँ, लेकिन आने वाले कल मैं इसको बताऊँगा। तो दिस इज टिमिडिटी और कावर्डिस। गांधी कहते हैं कि बुजदिली है, ये नॉन वायलेंस नहीं है, और बुजदिली को वो नॉन वायलेंस कभी भी मानते नहीं है। ही कंसिडर्ड वायलेंस टू बी प्रीफरेबल टू कावर्डिस। बजाय इसके कि आप बुजदिली का मजाहरा करो, गांधी कहते हैं फिर आप वायलेंस ही कर लो, यानी मारपीट कर लो। आप यहाँ पे आज जो है सामने वाले जो पावरफुल पर्सन है उससे आप लड़ नहीं सकते हो, झगड़ा नहीं कर सकते हो, इसलिए आप अपने आप को साबित कर रहे हो कि मैं नॉन वायलेंट हूँ। तो इससे बेहतर तो यही है कि इस बुजदिली का मजाहरा करने के बजाय आप लोग वायलेंस ही कर लो। यानी ओवरऑल गांधी जो है ऑल द टाइम ही वॉज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को लेके ही महात्मा गांधी ट्रुथ और नॉन वायलेंस को लेके आगे चले। वाइल कमेंटिंग ऑन दिस मैटर इन हिज आर्टिकल, जब वो कमेंट कर रहे थे इस मैटर के ऊपर नॉन वायलेंस वाले, तो अपने आर्टिकल में जो कि इंटाइटल्ड है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्वर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ स्वर्ड में ही सेज दैट, वो लिखते हैं कि गिवन ए चॉइस बिटवीन कावर्डिज एंड वायलेंस, अगर गांधी कहते हैं कि मुझे चॉइस दी जाए कि मैं कावर्डिज रहूं कि वायलेंस रहूं, यानी बुजदिल बन के जीऊं या तशद्दुद जो है लड़ाई झगड़ा जो है करके जीऊं, तो ही वुड प्रीफर वायलेंस। तो गांधी कहते हैं दो में से मैं एक चीज़ चुनूंगा और वो है लड़ाई झगड़ा, यानी मुझे बुजदिली का मुजाहरा नहीं करना है, बल्कि मुझे लड़ाई झगड़ा करके और अपनी बात को आगे ले जाना है। बट ही फॉर्मली बिलीव डैट, मुकम्मल तौर पर जो है उनका यकीन था कि नॉन वायलेंस इज सर्टेनली सुपेरियर टू वायलेंस। नॉन वायलेंस जो है सुपेरियर है, बेहतरीन चीज़ है वायलेंस की बजाय, लड़ाई झगड़े की बजाय नॉन वायलेंस, नहीं लड़ाई झगड़ा करना जो है बेहतरीन चीज़ है। एंड फॉरगिवनेस वाज फार मोर मेनली देन पनिशमेंट, माफ़ कर देना सबसे बड़ी इंसानियत है बजाय क्या करने के, पनिश करने के, मारने के, सजा देने के। यानी दुश्मन को माफ़ करने से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं, तो माफ़ कर देना बेहतरीन इंतकाम है, एक इंसानियत की जो है मिसाल है कि आप ताकतवर हो, अब बहुत पावरफुल हो, फिर भी आपने सामने वाले बंदे को माफ़ कर दिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस। अभी हम ट्रुथ देखेंगे। ट्रुथ जो है द मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज डिस्क्राइब्ड बाय गांधी। तो गांधीज़म इज मोर अबाउट द स्पिरिट ऑफ गांधीज जर्नी टू डिस्कवर द ट्रुथ। ट्रुथ जो है उसके बारे में गांधी जो है
वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है गांधीयन फिलोसफी में, गांधीयन जर्नी में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखती है, टू डिस्कवर द ट्रूथ, ट्रूथ जो है उसको समझना, एंड देन व्हाट वी फाइनली कंसिडर टू बी ट्रूथ, अपने आप को सच साबित करना, वो खास तौर से गांधी कहते हैं कि अपनी जर्नी में उन्होंने ट्रूथ को डिस्कवर किया। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गांधीज टीचिंग, गांधी की टीचिंग में ये फाउंडेशन हमको दिखता है, एंड द स्पिरिट ऑफ हिज होल लाइफ, और ये जो है उनकी पूरी लाइफ का जज्बा था टू एग्जामाइन एंड अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ, कि अपने आप को हम जाने पहचाने, एंड नॉट टू टेक एनी बडी और एनी आइडियोलॉजी फॉर ग्रांटेड, और किसी भी पर्सन को उसकी आइडियोलॉजी को हम जो है एज ए ग्रांटेड नहीं लेंगे। गांधी सेड ट्रूथ इज फार मोर पावरफुल देन एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। गांधी कहते हैं कि ट्रूथ जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है किसी भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन से, यानी एक हथियार उतनी तबाही नहीं ला सकता है, उतनी ताकत नहीं रखता है जितनी ताकत सच में है। सच अपने बलबूते पे बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है, बजाय इसके कि मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हम यूज़ करें। अगर हम सच्चाई पे रहें, अमन अमान से रहें, तो अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं। ट्रूथ और सत्यवाज द सोरेन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ। ट्रूथ जो है मीन्स सत्य, सत्य जो है सच्चाई, ये सोरेन प्रिंसिपल है, सबसे सुपर सबसे आला जो है वो उसूल है गांधी की लाइफ का। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रेजेंटेशन। आगे जो है दूसरे जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें मैं ट्रूथ जो है विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड बाय गांधी, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी। थैंक यू। थैंक